फ्लोर पर, असेंबली के फ्लोर पर अगर आपने उनका जो बात उन्होंने रखी शायद नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर है इल्लीगल है एनजीटी के अनुसार से, पूरे हिमाचल के अंदर दो मंजिल से ऊपर स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो सकता, समझे ना, एनजीटी का रूल है। और उन्होंने इस बात को तथ्यात्मक दृष्टिकोण से कहा कि वहां के मौलाना जो है वो कह रहे हैं ये वक्त बोर्ड की लैंड है, और मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं उन्होंने कहा नहीं भाई ये सरकारी लैंड है। जो लैंड जिहाद का मामला, उसके बाद वहां क्या स्थिति चल रही है, लोकल लोग कह रहे हैं कि वहां पर एक विक्रम नाम का लड़का था जो वहां कार्य कर रहा था, उसके उसमें निकलकर, मैं नाम लिख के लाया हूं, गुलनाज नाम के और उनके साथी जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं वहां जाके पहुंच जाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसके बाद जाके मस्जिद में छुप जाते हैं। उसके बाद लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लड़के लोग जहां वहां पर जो आते हैं वहां के लोग परेशान है कि कैसे स्थिति बन गई। मुझे बताइए, हिंदू जो हिमाचल है वो देवस्थान माना जाता है, देवस्थान माना जाता है, और वहां जाके इतनी चार मंजिला मंजिल कैसे इलीगल बना दी गई, सोचे स्थिति क्या है। और सरकार कह रही है कि भाई सरकार ने साफ-साफ उपस्थित कर दिया है। मैं सबसे बड़ी बात उपस्थित करूंगा, आज सबसे बड़ी बात एक इतना एग्जांपल है और जो आपको हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए, 20,000 से ऊपर आदमी होंगे जो आपने देखे आज, जो आज रेला निकला लोगों का, विरोध का निकला, किसने एक ने पत्थर चलाए, किसी एक ने पत्थर नहीं चलाए, यही हिमाचल की सरकार है इसलिए पत्थर लेकिन ये फर्क है कांग्रेस की, ये फर्क डबल इंजन की सरकार नहीं है। कौन बलवा कर रहा है, कौन उसको जा रहा है, डबल इंजन की सरकार मुझे लगता है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाए वो ठीक है, पूरे शिमला पर इस पर हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी नजायज चीज टूटनी चाहिए कि नहीं चाहिए, बता दीजिए कांग्रेस का स्टैंड क्या है, बता दीजिए। अपनी बात का जवाब दिया आचार्य जी आपने, आचार्य जी ने उस बात का जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने प्रश्न ये खड़ा कराया कि आज आप क्या मानते हैं वो अथॉराइज था या नहीं, या वो बनी आते सरकार को कह रही है, अच्छा वो बनी तो कब बनी, ठीक है सवाल सवाल गुरु प्रकाश जी वो कह रहे हैं अब कांग्रेस जो है सीधे कह रही है हमारे शासनकाल में तो अवैध बनी नहीं, ये तो तब बनी थी जब बीजेपी की सरकार थी, तो सवाल उनसे पूछिए। सुचारिता, मुझे लगता है कि आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत अच्छा वर्गीकरण किया है, आपने अच्छा क्लासिफाई कर दिया है कि इस विषय को बीजेपी कांग्रेस हिंदू मुसलमान इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। सुचारिता, हम तो संविधान की अब बात करना चाहते हैं, धारा 19 की बात करिए आप, धारा 25 की बात करिए आप, धारा 14 की बात करिए आप, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है सुचारिता? लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी। लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी को सवाल कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश के मंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे लड़कियों को छेड़ा जाता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां हिंसा होती है। तो कांग्रेस पार्टी यहां पे एक ऐसे सिचुएशन में फंस गई है, एक ऐसी विचित्र स्थिति में फंस गई है, जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर उन्होंने अपीजमेंट का खड़ा किया है, जो तुष्टिकरण का खड़ा किया है, आज वही फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जो इन्होंने तुष्टिकरण का खड़ा किया है इनको काट रहा है। दिक्कत इस बात की है, जब आप कहती है सुचारिता कि कांग्रेस दो फाड़ है, तो कांग्रेस में तो ये आइडियोलॉजी है, ये माइनॉरिटी अपीजमेंट भी करेंगे और पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी को भी सुनिश्चित करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी का, जिन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। संविधान की धारा कोई मतलब नहीं है, वक्त से कोई मतलब नहीं है। आज सुचारिता पूरे देश में वक्त ने 9,60,000 एकड़, दोबारा बोल रहा हूं, पूरे देश में 9,60,000 एकड़ ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्फ के नाम पे है। भारत सरकार के बाद सबसे ज्यादा मालिकाना किसके पास है पता है कुछ चरता? वक्फ के पास। और हम क्या कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि वहां पे स्ट्रक्चर आए, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन आए, वहां पे आर्गुमेंट आए। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में वक्फ एक्ट का विरोध करेगी और उसी वक्फ एक्ट का जो दुराचार जो परिणाम होता है वहां पूछ रहे हैं। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हम वक्फ की बात आज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवैध पिछले कुछ दिनों वक्फ को लेकर हंगामा हुआ,
मुमताज जी भी आ गए स्टूडियो में। बहुत पिछले कुछ दिनों वक्फ को लेकर एक हंगामा हुआ, अब ये जो अवैध मस्जिद की बात हो रही है, जो शिमला में जिसकी बात हो रही है कि भाई गैर कानूनी तरीके से 3 मंजिल बना दी गई, ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, तो ये एक और अब नया विवाद आ गया है। क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि वक्फ जहां हाथ रख दे वहां पर कहते हैं ये वक्फ की जमीन हो गई, उसको काउंटर करने के लिए कानून लाया जा रहा था। उसका एक उदाहरण दिख गया है कि भाई ये जमीन है और देखिए यहाँ पर अपनी मंजिल पर मंजिल बढ़ाते जा रहे हैं अवैध तरीके से। बताइए, देखिए मुझे लग रहा है पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मस्जिद जैसी इबादतगाह वो गैर कानूनी तौर पर बनी नहीं सकती, और अगर कोई बना रहा है वो गलत कर रहा है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। जहां तक ये है कि 3 मंजिला 4 मंजिला, सवाल ये है कि कैसे बन गई, क्या लोगों ने वहां जो सरकारें हैं चाहे पहले की हो चाहे अब की हो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, ये रातों रात तो बन नहीं गई। कोई ऐसा माचिस की डिब्बी तो है नहीं कि एक के बाद एक रख करके और वो बन गई। तो सवाल ये है कि बनने क्यों दिया गया इस तरीके बिल्कुल से, जाए सवाल, ठीक है, बिल्कुल सवाल। क्यों बनने दिया गया? जहां तक कांग्रेस के मिनिस्टर का ताल्लुक है तो कांग्रेस की हालत तो ये है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही सारी है कि नारी की ही सारी है, ये उसकी हाल है। आप मध्य प्रदेश जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां कमलनाथ हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, बागेश्वर धाम जो है बाबा के पांव पे गिर गए थे और पूरी कांग्रेस खामोश थी। वही आईसीसी में हमने देखा पूरी रामलीला मंडली आ गई। जा रहे हैं या बाबा के चरणों में जा रहे हैं तो गलत है क्या? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना मंदिर चाहिए, जाना गलत है, जाना चाहिए लेकिन वोट के लिए नहीं जाना चाहिए। हाँ तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस स्पष्ट कर दे भाई, ये गलत है ना, वो हिंदू वोटर के साथ है या मुसलमान वोटर के साथ है, आप चाह रहे हैं सियासी भाई, क्लियर बता दे। देखिए ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, पूछ रहा होगा चंद्रमोहन जी आप बता दीजिए, आज आप मस्जिद के फल गिराने के लिए खड़े हो गए, गलत है उनको लग रहा है हमारे मंत्री महोदय जो हिमाचल प्रदेश के हैं कि गलत है तो गिराए ना, उसको बुलडोजर चला दे, क्यों नहीं चलाते? अच्छा नंबर वो गेंद, एक मिनट, वो गेंद बीजेपी के पाले में डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्होंने बनवाने दिया। हाँ, बोलिए। ये वही हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे बाकायदा रोड पे रैली निकाल करके एक अक्सरियती तबका जो है उसने धमकी दी मुसलमानों को कि हाँ। एक महीने के अंदर देवभूमि को खाली कर दिया जाए, तो वहां पे हालत यह है कि आप मस्जिद के अवैध की बात कर रहे हैं, वहां तो मुसलमानों का अवैध करार देने की कोशिश की जा रही है, भारत सपोर्ट उसके उन्होंने एक बड़ी बात उठा दी, उन्होंने कहा कि सिर्फ मस्जिद अवैध बताने की कोशिश नहीं है, मुसलमान ही इस देश में अवैध हो रहे हैं ऐसा दिखाने की कोशिश जा रहा है। अरे समस्या की जड़ में जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। समस्या की जड़ वक्फ बोर्ड है, वक्फ की जमीन है, और उसका लाइव एग्जांपल सामने निकल के आ रहा है। हाँ। और देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए बेसिक चीजें जो सुचारिता वो ये है कि म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, और आप थोड़ा सा भी इलीगल आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, आप अपने घर के आगे ईंट निकाल के दिखा दीजिए, उसी टाइम ऑफिसर आता है आपका चालान कर देता है। परंतु एक 4 मंजिल की जो वोट बन जाती है, किसका बरदस्त है उसके ऊपर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो उसको लगातार बचा रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि उसका उन्मूलन उसका जड़ों पर जाना पड़ेगा, उसकी जड़ों पर कौन ऑक्सीजन दे रहा है, कौन पानी दे के उसको सींच रहा है। तो ये सरकार बहुत बड़े कटघरे में खड़ी है, और इलीगल निर्माण चाहे वो कोई भी संघियों का झुंड है जो मस्जिद तोड़ना चाहता है, तो देखिए कितनी बदतमीजी है। हाँ। कैसे संघियों का झुंड हो सकता है जब हिंदू समाज कुछ खड़ा होता है अपनी बात को रखता है तो मुस्लिम को साथ जाके खड़ा होना चाहिए। मेरे साथ 2 मुस्लिम भाई खड़े हैं, ये खड़े हो कि हाँ इलीगल एलिमेंट है, इलीगल बिल्डिंग है, हम उसको आपको तोड़ने के उसके लिए साथ है, इलीगल बिल्डिंग के साथ है।